अरे उस पंडित को देखना, वो नंग लागे छे साहब। अरे राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे। कौन है? या कुंदेंदु तुषार हार धवला। आईटी में पंडित हैं, देख रहे हैं? वैसे तो व्यवस्था अच्छी है, अगर किसी से टाका फिर गया ना तो पंडित बाहर से नहीं बुलाना पड़ेगा। पन्नी नो। या श्वेत पद्मासना, ये वो हवा है जिसने हम सबके टेंट उखाड़े हैं। ओह, तुम इसकी वजह से सेकंड आई हो, इतनी नाइस में पहली बार। सदा पूजता मुन्ना भाई की तरह ये टीप टाप के टॉप आया है। सरस्वती भगवती निशेष जाड्या आप। गुस्सा इतना आ रहा है, टकला फोड़ दूंगी मैं इसका। हाँ भाई, तो कौन कौन को डाउट है कि मैं कल को नटवर लाल हूँ और आज को मुन्ना भाई? हाँ आपको, आपको तुम्हारे संशय है दादा? और किसी को प्रॉब्लम है मेरे? चन 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 लगे लगे चन 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 आई राधा राधा। असली प्रॉब्लम तो यहाँ है, लाल लाल गाल, लाल लाल कान, अखियों में लाल लाल डोरियां। अरे मैडम, आपका बस चले तो आप तो मेरा टकला ही फोड़ दे। अरे भाई, इतना गुस्सा तो सिर्फ उसको आता है जिसकी एक मिनट लेट हो जाने से ट्रेन छूट जाए, एक रुपए के वजह से टेंडर, और एक नमूने के वजह से आईआईटी जेईई की टॉप रैंकिंग। नंदिनी चौहान, रैंक वैंक में क्या रखा है? जीवन का असली आधार तो प्रेम है ना। चन 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 लगी लगी चन 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 आई राधा। वैसे अगर आपकी रैंकिंग कितनी पड़ी है तो 1 से 10 की स्केल में आप पूरी 10 हैं। 10। और मैं वो एक जिसे आपने अभी अभी अपनी आंखों में बसाया है। मजा आ रहा है सबको? हंसी आ रही है? आनंद आ रहा है? अरे भाई, इसलिए तो आया था यहाँ पे, इसकी सबका तनाव दूर करूंगा, आप सबकी टेंशन दूर करूं, पर यहाँ पे तो खुद को तनाव हो गया है। कमाल है यार, ये तो क्या था, क्या निकला यार? साला इश्क हो गया है। अरे भैया, तुम लोग समझे नहीं, नंदिनी को मुझसे। चीपू, फ्रॉड, फ्लर्ट, ज्ञान देता है पंडित ना। खिलाती हूँ उसको ब्रेन ओलंपिक्स, ब्रेन ओलंपिक्स। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू ब्रेन ओलंपिक। मेरे पहले 3 सवाल है और मेरे ये 3 सवाल है फ्रेशर्स गैंग के सुपर ज्ञानी से। कहाँ है ये मिस्टर वासुदेव शास्त्री जी? अहम अत्रास्मि। एक टक निहारू सदियां गुजारू मैं पल पल उस पे। कितना हॉट है। एक टक निहारू सदियां गुजारू मैं पल पल उस पे। हाँ शास्त्री जी, पूछू सवाल, जवाब देंगे आप? अरे आपका तो सवाल भी मैं हूँ और जवाब भी। Do you think it's classy? No, 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 it's very, very massy. Radhe! Knock it off, guys. Your first question. हिंदी में बोलिए ना, ज्यादा प्यारी लगती है आप। शास्त्री जी, ये अंग्रेजी समझ नहीं आती? आइए ना। Come on guys, put your hands together for the topper. आपके पास ये 4 गोलियां हैं, 2 फीवर की और 2 कोल्ड की। प्रॉब्लम ये है कि इनका साइज, वेट, कलर सब एक जैसा है। आपको खानी है 1 कोल्ड की और 1 फीवर की।
कैसे खाएंगे आप? टॉपर साहब, दिमाग है तो बताइए। अजी हमारे पास तो दिल है, चाहिए? Knock it off, guys. Answer the question. Answer the question. Pass. यही तो उम्मीद थी ना इनसे। Second question. There are 8 balls. Oh, sorry. यहाँ पे 8 गेंदे हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। इनमें से कोई भी 3 गेंद उठाकर इन खाली गोलों में डाल दीजिए। तीनों गेंदों का जोड़ मिलाकर 30 यानी कि 30 होना चाहिए। तो बड़ा आसान है, 13, 11, 1 और 5 हो गया 30। 4 नहीं, 3 गेंदे पंडित जी। 3 ऑड डिजिट्स का ऑड टाइम्स हम कभी इवन हो ही नहीं सकता। नॉट पॉसिबल। अरे इसका छोड़ना, तेरा मेरा तो पॉसिबल हो सकता है ना? सिर्फ 2% लोग इसका जवाब दे पाए हैं। 2% में तो सिर्फ आप आती, आप ही जवाब दे दीजिए ना। देखा गाइस, कर दिया ये मैंने साबित कि ये टीप टाप के फ्रॉड गिरी करके चीटिंग करके टॉप आया है। एक नंबर का चीटर है ये। और क्यों ना हो, ये मथुरा वृंदावन जैसे छोटे छोटे गाँव के जो हिंदी मीडियम स्कूल और गुरुकुल का स्टैंडर्ड है ना, वो यही हो सकता है जो इनका है। कभी सोचा है आपने कि इस बंदे ने टॉप कैसे किया? 100 out of 100 हाँ? कैसे? शास्त्री जी, ये गीता पढ़ के, मंत्र पढ़ के, संस्कृत बोल के ना पंडित बन सकते हैं, इंजीनियर नहीं। नंदिनी जी, आपने अपना तीसरा प्रश्न तो पूछा ही नहीं, मगर वो मैं पूछूंगा आपसे। अगर मैं संस्कृत बोलता हूं तो मैं प्राचीन हूं, अगर हिंदी बोलता हूं तो मेरी कोई वैल्यू नहीं, अगर बड़े शहर का हूं तो बहुत क्लास है भाई, अगर छोटे शहर से हूं तो ब्लडी प्रिमिटिव। शुड वी बी डिस्कसिंग दिस इन IITs? As true IITians, we should be discussing only about innovation, like robotic eye theory for the blind, bionics, quantum mechanics, string theory. इन सब के ट्रेसेस आपको वेदों में मिलेंगे, पर आपको फुर्सत कहाँ है भाई? आप तो बस अपनी टेक्स्ट बुक्स में घिरी हुई हैं, और वेद पढ़ के तो आप पंडित बनेंगी, इंजीनियर नहीं बन सकती। अरे भाई, आप उन वेदों की बात कर रही हैं जिनकी नींव विज्ञान है, और उस संस्कृत की बात कर रही हैं जो पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, जिसके 1200 स्कूल और 14 यूनिवर्सिटीज अकेले जर्मनी में, जिसे हम सब इंजीनियर्स यहाँ पे इंजीनियरिंग हब मानते हैं यार, और आप उसे कहती हैं प्राचीन प्रिमिटिव। फादर ऑफ एटम बॉम्ब रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर ने कहा था अपने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट साइट ट्रिनिटी न्यू मेक्सिको, डेट थी 16 जुलाई 1945, If the radiance of 1,000 suns were to burst at once into the sky, it would be like the splendor of the mighty one. And now I become death, the destroyer of both worlds. यही बात संस्कृत में बोलूं? कालोश मी लोका, अरे फायदा ही नहीं, पल्ले ही ना पड़ेगी तो है। संस्कृत के जिस श्लोक से रॉबर्ट जी प्रभावित थे ना, वो भगवत गीता का था। और भगवत गीता जिसने कही थी ना, वो भी मथुरा वृंदावन के गुरुकुल से ही था। दुनिया उन्हें श्री कृष्ण के नाम से जानती है, और हम ब्रजवासी उन्हें प्यार से कान्हा कहते हैं। अरे भाई, प्रिमिटिव हैं तो हैं, प्राचीन हैं तो हैं, पर गर्व है हमें अपनी प्राचीनता पर। हाँ, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आपके व्हाट्सएप के सवालों का जवाब दे देता हूं। ये 4 पिल्स को आधा आधा तोड़ के खा लूंगा, हो गई एक फीवर की एक कोल्ड की, और ये पहली गेंद, दूसरी गेंद, और ये तीसरी उल्टी कर दी, हो गया 30। काउंट कर लो, मैथ तो आता होगा। एक्चुअली ये ब्रेन ओलंपिक खेल ही नहीं रही थी, असल में आप खेल रही थी हार्ट ओलंपिक। अरे कोई नहीं नंदिनी जी, देता हूं आपको 60 मिनट, कर लो दिल की, शायद मुझे भी प्यार हो जाए आपसे। शट अप।